मीन राशि 2022 फरवरी का महीना कैसा जाएगा, तो जितने भी पाइसियंस हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, पर चंद्र राशि के हिसाब से, हमारा सनातन धर्म जिसको मानता है, आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपकी जो राशि है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं उनका फरवरी का मंथ बहुत ही अच्छा जाएगा। अखंड धन संपत्ति योग बना हुआ है। इस धन संपत्ति को देखिए, धन और संपत्ति भी बहुत प्रकार की होती है, अष्ट लक्ष्मी होती है, है ना, संतान लक्ष्मी होती है, धन लक्ष्मी होती है, धान्य लक्ष्मी होती है, तो बड़ी सारी लक्ष्मियां होती हैं। तो सिर्फ एक ही धन से ही इसे रिलेट मत कीजिएगा, हर प्रकार की धन लक्ष्मी आपकी बढ़ सकती है अगर आप उचित रीति से आगे बढ़े। जितना भी आप कमाएं, जहां आपके धन वृद्धि योग है, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी के काम में आपको फायदा हो सकता है, आप प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत फायदा हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप बेच सकते हैं, ये समय अच्छा है, उसके अच्छे आपको पैसे मिलेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो भी आप खरीद सकते हैं, प्लॉट्स खरीद सकते हैं, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। हाँ, पेपर्स को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। जहां तक बात जॉब और बिजनेस वालों के, तो उनको भी हर तरीके से धन में वृद्धि, प्रमोशन, अच्छी डील वाले योग बने हुए हैं। मैरिड अनमैरिड लोग अच्छे से व्यतीत करेंगे अपना समय, लेकिन मुझे लगता है सभी अपने वर्क एरिया पे ज्यादा फोकस्ड होंगे, सो इट्स गुड समटाइम्स टू बी फोकस्ड ऑन वर्क ऑल्सो। बाद में आप बैलेंस कर सकते हैं, अगर इस महीने आप थोड़ा कम एक दूसरे से वार्तालाप कर पा रहे हैं और काम में थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। यू कैन रिस्पेक्ट ईच अदर, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं एज अ कपल, ठीक है, तो उसमें कोई कलह क्लेश नहीं होगा। जहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेकिन अपने पार्टनर के लिए अवश्य निकालें, चाहे आप उनसे दिन में दो बार बात करें प्रेम पूर्वक, दो मिनट के लिए भी करें तो वो बहुत होता है हमारे अपनों के लिए, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि जब आप इतना धन कमाएंगे या इतनी आपका धन वृद्धि योग है, तो प्लीज हमेशा मैं कहती हूँ अपने आय का 10%, अपने प्रॉफिट का 10% आपने दान पुण्य में लगाना है। प्रभु के श्रृंगार का सामान खरीद के उनका श्रृंगार करना है, गरीबों की मदद करनी है, किसी की शादी कराने में मदद कर दीजिए, किसी को एजुकेशन दीजिए, किसी को खाना उपलब्ध करवा दीजिए, नाना प्रकार के तरीके। कोई बीमार है, कितने ही गरीब लोग बीमार होते हैं, आए दिन कहीं सोशल साइट्स पे हम ये सारी चीजें देखते रहते हैं, तो उनको आप मदद कर सकते हैं धनराशि दान करके। 10% दान करने से आप जो धन कमा रहे हैं आगे, वो धन कमाने के योग अच्छे बने रहेंगे और बहुत जल्दी आपका धन खत्म नहीं होता है। क्योंकि धन कमा तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आने से पहले निकलने का रास्ता साफ हो गया, इधर खर्च हो गया, उधर खर्च हो गया, उधर खर्च हो गया, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी आय का 10% दान नहीं कर रहे। वो बहुत जरूरी है, ये प्रभु ने कहा आप अपनी आय का 10% दान करेंगे तो हमेशा आपकी वो जो धनराशि वो शुद्ध हो जाती है, और फिर उसको अपने आत्मियों में भी बांटना है। आपके भाई हैं, छोटे हैं, आपका कोई फर्ज बनता है, उन्हें दें, कंजूसी नहीं करनी है, और अपने पास भी कुछ राशि सेव करके रखें। इस तरीके से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो धन हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है। ये तो पड़ा पड़ा वो धन कभी रोगों में जाता है, उसको आप तिजोरी में बंद करके रख दीजिए, किसी को रोग होगा उसमें निकल जाएगा, कहीं कोई हानि होगी, केस हो गया, उसमें निकल जाएगा। इसलिए धनराशि को यदि शुद्ध रखेंगे तो ये नाना प्रकार की जो आदि व्याधियां आती है ना, जिसमें धनराशि का व्यय कराना होता है, हमारी गलतियों ने, हमारे पापों ने, कि हमने लोगों को दिया नहीं, वो इस 10% दान से टल जाए, ठीक है, तो वो कीजिए तो बहुत अच्छा मंथ है। मुझे लगता है कार्य क्षेत्र पे ज्यादा फोकस रहेगा रिलेशनशिप से ज्यादा, तो रिलेशनशिप पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। इट्स फाइन अगर एक महीना आप कार्य क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान देना चाहते, इट्स ओके, बट अपने पार्टनर को समझा दीजिए बिठा के कि मेरे को थोड़ा सा इस महीने काम ज्यादा है, तो थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है, सिंपल, ठीक है। रोगों का कोई स्थान हम नहीं देखते, लेकिन फिर भी फ्रूट्स का इनटेक अच्छा रखिएगा, आपकी इम्यूनिटी फ्रूट से ज्यादा अच्छी बढ़ेगी, जो मैं देख रही हूँ आपको बता रही हूँ। अब हम लकी कलर लकी नंबर पे आ जाते हैं, तो लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है येलो एंड रेड, और लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है 4। तो इन सभी बातों का प्रयोग कीजिए और ऑलरेडी इस इतने संपन्न महीने को अपनी आराधना को बढ़ाकर, प्रभु को धन्यवाद करते हुए उनकी आराधना बढ़ाकर, रोज आधा घंटा उनकी पूजा करके और लोगों में दान करके अपनी धनराशि का 10% इस महीने को व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।